पेड़ की गवाही। एक बूढ़े आदमी को करीबी गांव जाना था। रास्ता एक खतरनाक जंगल से गुजरता था। उस रास्ते पर उसे उसका मित्र मिला। मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की सारी कमाई इस थैली में है। जब मैं गांव से लौटूंगा तो मैं तुमसे वापस ले लूंगा। ये थैली अपने पास रखो। ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े आदमी ने वापस लौटकर अपने मित्र के पास अपनी थैली की मांग की। दोस्त, अब मुझे मेरे पैसे लौटा दो। कैसे पैसे? क्या अनाप शनाप बक रहा है तू? चल जा इधर से। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति न्याय मांगने के लिए बिरबल के पास गया। बिरबल ने दोनों को बुलाया और सारी कथा सुनी। उसने उस बूढ़े से पूछा, तुमने इसे कौन सी जगह पर पैसे दिए थे? जंगल के रास्ते पर एक इमली के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो फिर उस इमली के पेड़ को गवाही के लिए बुला लाओ। पेड़ ने अगर गवाही दी तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। ये बात सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति बौखला गया, लेकिन बिरबल के कहने के अनुसार वो उस इमली के पेड़ को गवाही के लिए बुलाने गया। कुछ घंटों बाद, अरे इतना वक्त गुजर गया लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया। वो पेड़ कितना दूर है यहाँ से? वो पेड़ यहाँ से 4 कोस होगा महाराज। ठीक है, हम उसकी राह देखते हैं। कुछ घंटों बाद वो बूढ़ा व्यक्ति वापस आया। महाराज, मैंने उस पेड़ को बार बार गवाही के लिए बुलाया लेकिन वो पेड़ तो हिलता ही नहीं। कोई बात नहीं, वो पेड़ पहले ही यहां आकर अपनी गवाही देकर गया है। तुमने अगर पैसे लिए ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि वो पेड़ कहां है? चुपचाप अपना गुनाह कबूल करो, अन्यथा तुम्हें बहुत कठोर सजा दी जाएगी। महाराज, मुझे माफ कीजिए, मैं आज ही इसके पैसे लौटा देता हूं।